अगर आप भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है। कई बार हमने देखा है कि मामूली लोन लेने के लिए हम कई दिनों तक बैंक के चक्कर काटते रहते हैं और आखिर में हमें हमारे मनचाहे रेट पर लोन भी नहीं मिलता है। खैर, आरबीआई ने हमारी इस समस्या का हल निकाल दिया है। आरबीआई के इनोवेशन हब ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे अब यूपीआई की तरह ही एक क्लिक पर आपको लोन मिल जाएगा। तो क्या है ये पूरी खबर और कैसे मिलेगा आपको लोन, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश में यूएलआई लाने की तैयारी कर रहा है। यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे इस समय यूपीआई काम करता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी और बताया कि इसे कैसे और कौन लोग फायदा लेने वाले हैं। आरबीआई ने लोन सेक्टर में काम को आसान और सहज बनाने के लिए पिछले साल 17 अगस्त को यूएलआई का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और छोटे तौर पर इसकी टेस्टिंग की थी। इसका फोकस किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और होम लोन था। शुरुआती दौर में इसे फ्रिक्शन लेस प्लेटफॉर्म भी कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी रुकावट नहीं थी और अब जब ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सफल रहा तो इसे पूरे देश में लाने की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ उठ रहे तीन सवालों का जवाब दे देते हैं। पहला सवाल है कि आखिर यूएलआई क्या है। यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग फेज। बता दें कि आरबीआई यूपीआई जैसे ही एक सिस्टम को लाने की तैयारी कर रहा है जिसके बाद लोगों को लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जिस तरह से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स यूपीआई बेस्ड हैं, ठीक उसी तरह से यूएलआई भी वैसा ही एक प्लेटफॉर्म होगा। बता दें कि अभी फोन पे जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। अब दूसरा सवाल है कैसे काम करेगा यूएलआई। यूएलआई के काम करने का तरीका बहुत ही आसान होगा। जैसे यूपीआई से सिर्फ पिन नंबर डालने पर पैसे भेज सकते हैं, वैसे ही यूएलआई से हम पैसे लोन ले सकेंगे। लोन का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई केवाईसी, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन और अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि कोई भी यूज़र कितनी लिमिट तक लोन ले सकता है। बता दें कि ये पूरा सिस्टम आपकी सहमति के साथ काम करेगा और आपके सारे डेटा को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखा जाएगा। अब तीसरा और आखिरी सवाल आता है कि यूएलआई का फ़ायदा किसे मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर कई सारे तुरंत लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे लोन लेना बहुत ही सुरक्षित नहीं है क्योंकि सरकार और आरबीआई का इन पर नियंत्रण एक हद तक ही सीमित है। लेकिन यूएलआई का प्लेटफॉर्म सीधा सरकार की निगरानी में होगा, जिससे फ्रॉड के मामलों में भी कटौती आएगी। बता दें कि यूएलआई का लाभ कोई भी ले सकता है। सिर्फ पिन डालने पर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपका अकाउंट सीधा यूएलआई के प्लेटफॉर्म से लिंक होगा। आरबीआई के मुताबिक पर्सनल लोन लेने वालों में 69% लोग 35 साल से कम उम्र वाले हैं और आरबीआई ने पाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले दो क्वार्टर में एवरेज पर्सनल लोन 9,861 रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 10,955 रुपये था, जिससे साफ होता है कि लोग अब छोटी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा लोन ले रहे हैं। ऐसे में यूएलआई जैसे नई और इंस्टेंट व्यवस्था बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो देश में इस समय लगभग 700 इंस्टेंट लोन ऐप चलाए जा रहे हैं और इनमें से कई सारे चीनी ऐप्स हैं जिनके कारण कई सारे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसे में अब लोगों को आसानी से और सिक्योर लोन दिलाने के लिए यूएलआई बहुत ही ज़्यादा कामगर साबित हो सकता है। यूएलआई पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।